हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास ऑफ 31 to 50 एलिमेंट्स। यानी कि इससे पहले मैंने 1 से लेकर 30 तक का एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इससे अच्छा और बेहतर वीडियो पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है, इतना क्लेरिटी के साथ और पूरी का पूरी हिंदी हिंदी भाषा में बात करने के लिए। चलिए बात करेंगे दोस्तों, एटॉमिक मास 31 to 50 कैसे फाइंड करेंगे। इसको दोस्तों बोला जाता है हिंदी में परमाणु भार, या तो परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखे हैं दोस्तों एलिमेंट्स नेम। एलिमेंट्स नेम का हिंदी होता है तत्वों के नाम। उसके बाद सिंबल, सिंबल का मतलब होता है संकेत या प्रतीक बोल लीजिए। अब बात करेंगे, यहाँ पे है एटॉमिक नंबर जिसे बोला जाता है परमाणु क्रमांक। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, देखिएगा। बहुत ही इजी वे में बस समझाने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक केवल बने रहिएगा, आसानी से समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 31 से। तो बिल्कुल देखिए 31 से क्या है, सबसे पहले देखिएगा कुछ जो 31 से एलिमेंट्स हैं उनके नाम जान लेना जरूरी है दोस्तों, तो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने दोस्तों एलिमेंट्स नेम यानी तत्वों के नाम, सिंबल यानी प्रतीक या तो संकेत, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान या तो परमाणु भार। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम क्या है, गैलियम जिसका सिंबल होता है Ga, जर्मेनियम जिसका सिंबल होता है Ge, आर्सेनिक As, सेलेनियम Se, ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, रुबिडियम Rb, एस्ट्रोनियम एस्ट्रोनियम Sr, एट्रेरियम Y, जिरकोनियम Zr, नायोबियम Nb और मॉलिब्डेनम Mo। तो इस प्रकार से यहाँ पे 42 तक कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे थोड़ी देर में वो होगा 43 से 50 तक। तो देखिएगा दोस्तों कैसे निकालना है। तो सभी के सिंबल हम लोग तो जान लिए, अब इनके एटॉमिक नंबर जान लेते हैं यानी परमाणु क्रमांक। तो इसका होता है गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, आर्सेलिनियम का 34, ब्रोमीन का 35, क्रिप्टन का 36, रुबिडियम का 37, एस्ट्रोनियम का 38, वाइटेरियम का 39, और जिरकोनियम का 40, नियोबियम का 41 और मॉलिब्डेनम का 42। अब चलिए मास कैसे निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या ट्रिक है, तो ट्रिक देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लिख रखे हैं ट्रिक, जेड मल्टीप्लाई टू प्लस फोन नंबर। मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जेड का मतलब एटॉमिक नंबर जो है, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई टू। हमें ओड इवन नहीं देखना है दोस्तों, ओड इवन कहाँ तक देखना था, 1 से 20 तक का एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते थे तब ओड इवन देखते थे, लेकिन इसमें ओड इवन नहीं देखना है। क्या करना है, बिना ओड इवन देखे जितना भी एटॉमिक नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस फोन नंबर। फोन नंबर का मतलब दोस्तों ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, यदि कहा जाए 31 का निकालना चाहेंगे तो यहाँ से 31 से गिन लीजिए, तो 7 प्लस करना होगा, 32 के लिए 8, 33 के लिए 9, 34 के लिए 10, 35 के लिए भी 10, 36 के लिए 11, इस प्रकार से प्लस करना होगा। तो चलिए प्लस कर देते हैं और इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों, अभी जस्ट बोला कि आपको ओड इवन देखना नहीं है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सभी में 2 से मल्टीप्लाई मैंने लिख रखा है, अब बस इंतजार है फोन नंबर का। फोन नंबर लिखते हैं और इसका एटॉमिक मास फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, सिंपल हमें निकालना है गैलेनियम का, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना है 31, तो 31 इंटू 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस कितना करना है तो 7 प्लस करना है, इसमें प्लस करना है 7, 7 लिख देंगे, S7 प्लस करना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 32 के लिए, तो 32 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस इसमें कितना करेंगे 8 करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 33 के लिए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, उसके बाद कर लेंगे A9 कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो इसमें 10 प्लस करना है, इसमें भी 10 करना है, और नेक्स्ट जितने भी हैं
सभी में 11 प्लस कर लीजिए, 11 11 11 11, लेकिन लास्ट वाले के लिए दोस्तों 12 प्लस करना है इस प्रकार से। अब चलिए प्लस करके लिख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो 31 दूना 62 यानी 62 प्लस 7 69 इस प्रकार से आ गया। इसका देखेंगे तो 32 दूना 64 और 8 4 8 12 72 हो जाएगा दोस्तों। इसका देखेंगे तो 33 दूना 66 66 और 6 9 15 75 हो गया। उसके बाद बात करेंगे ए हो गया 68 प्लस 10 78 इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे तो 70 10 80 हो जाएगा। उसके बाद 72 और 11 72 10 82 1 83 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 37 दूना 74 और 10 84 और 1 85 हो जाएगा। उसके बाद 76 और 10 86 और 1 87 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 39 दूना 78 और 1 79 और 10 89। उसके बाद बात करेंगे तो 80 और 11 91। उसके बाद देखेंगे तो 41 दूना 82 और 11 82 और 11 93। और नेक्स्ट देखेंगे तो 42 दूना 84 और 12 84 10 94 2 96 इस प्रकार से एटॉमिक मास निकाल लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि गैलियम का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा आपका 69। कैसे? इनका एटॉमिक नंबर 31, 31 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 कर लेंगे। उसके बाद इस प्रकार से जर्मेनियम का तो 32 एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 8 करेंगे तो इतना आ जाएगा 72। उसी प्रकार से आर्सेनिक का 33 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 यानी 75 होगा। उसी प्रकार सिलीनियम का तो 34 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 यानी कि 78। उसी प्रकार से ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है 35, तो 35 में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस कितना करना है 10, ए हो गया 80। तो इस प्रकार से कर लेना है दोस्तों, आसान है दोस्तों। अब थोड़ा सा समझ लेना है कैसे याद करें इस ट्रिक को। तो देखिए 7 8 9 10, ये तो लगातार है, 7 से याद करना है 7 8 9 10। और उसके बाद समझ लीजिएगा कि 10 एक्सेप्शन एक आ गया, उसको याद कर लीजिएगा, 10 डबल टाइम आएगा। और उसके बाद 11 11 11 41 तक जाएगा। और 42 से क्या रूल्स है तो देख लीजिए, 42 से 12 यानी किसी भी डिजिट को डबल टाइम लिखना है 12, तो नेक्स्ट भी 12 होगा। तो चलिए इस प्रकार से निकाल लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नेटियम रथेनियम रोडियम एंड प्लेडियम सिल्वर कैडमियम इंडियम एंड टीन इस प्रकार से हैं और सभी का सिंबल भी लिखा गया है। तो चलिए ए टी सी है इसका, टेक्नेटियम का रथेनियम का आर यू, रोडियम का आर एच और प्लेडियम का पी डी, सिल्वर का ए जी, कैडमियम का सी डी, इंडियम का आई एन और टीन का एस एन। तो चलिए अब इन सभी का एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। तो होता है टी सी का होता है 43, आर यू का 44, आर एच का 45, पी डी का 46, ए जी का 47। ए याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए जी यानी कि सिल्वर का कितना होता है, तो 47, सी डी 48, आई एन का 49 और ए भी पूछा जाता है एस एन यानी टीन का तो 50 होता है, याद रखिएगा। अब चलिए इनका एटॉमिक मास निकालते हैं, क्या करना है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक वही है दोस्तों कि इसे जेड मल्टीप्लाई टू यानी जितना एटॉमिक नंबर है उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस फोन नंबर कितना लगाना है 12 13 13 14 14 16 16 18 इस प्रकार से। तो ज़रा समझ लेंगे, 42 में भी लगाए थे 12, उसके बाद 43 में भी 12 लगाना है, कितना लगाना है 12, 44 में आपको 13 लगाना है, 13 दो बार 13 यूज करना है और 14 तो दो बार 14 यूज करना है, ये ध्यान रखना है कि डबल डबल टाइम लगना चालू होगा 42 से। उसके बाद 12 से स्टार्ट होगा 12 12, 13 13, 14 14, उसके बाद 48 के लिए ध्यान दीजिएगा 15 आपको नहीं लगाना है, एक गैप करना है दोनों में 16 16, और लास्ट में 17 गैप करके 18 लगा देना है। अब बस प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इनका एटॉमिक मास। तो 86 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 86 और 10 96 और 2 98 इस प्रकार से। ये 88 प्लस 3 91 और 10 101। उसके बाद बात करेंगे
90 और 13 हो गया 103, 103 लिख देंगे। उसके बाद 92 और 14, 92 चार 96 और 10 106। उसके बाद बात करेंगे 94 और 4 98 10 108। उसके बाद बात करेंगे 96 और 6 102 116। तो देख लेते हैं दोस्तों, 48 दूना 96 और 6 102 और 10 116 आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं, 94 और 4 98 और 10 108 बिल्कुल, 48 दूना 96 और 6 102 और 10 112 आएगा दोस्तों, 112। उसके बाद देखेंगे 49 दूना 98 और 10 हो गया 108 और 6 114। उसके बाद बात करें 100 और 18 118। इस प्रकार से सभी का एटॉमिक मास हम लोग सीख गए दोस्तों। तो दोस्तों आसानी से इस प्रकार से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे याद करना है, ए प्लस जो फ़ोन नंबर है तो 42 से याद कर लीजिएगा, 42 से डबल डबल डिजिट होता है, और कितना से स्टार्ट करना है 12 से, 12 12 13 13 14 14 उसके बाद 15 गैप रहेगा दोस्तों, 16 16 और 17 गैप रहेगा 18। इस प्रकार से प्लस करेंगे। अगर आपको पूछ दिया जाए, एक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होगा, तो सबसे पहले सिल्वर का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 47, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 14 करना है तो 108 होगा। तो इस प्रकार से, और टिन का पूछ लिया जाता है, टिन का 50 एटॉमिक नंबर होता है, इसका करेंगे तो 118 एटॉमिक मास आएगा। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।